हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया यार। अच्छा, क्या सब बढ़िया? हिबा जी कैसे हो? अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसे हो हिबा जी? दोनों का फोटो कर लेते पहले। दोनों का? अरे रुक जाओ, दोनों का फोटो कर लेते साथ में। लुकिंग नाइस हिबा जी। लेफ्ट में डबल कैमरा इधर। अरे 14 प्रो मैक्स इधर। ये 14 प्रो मैक्स। वेरी नाइस। यही अपलोड होगा। मुझे कहाँ आता रिस्पॉन्स यार? देखो बड़ा मजा आता है जब कोई साइलेंस गाइस। हाँ, बड़ा मजा आता है जब कोई रिस्पॉन्स से ज्यादा ना, जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस पर मेहनत करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन या दो दिन की मेहनत नहीं होती, इसमें बहुत महीनों की मेहनत लगती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट स्टार्ट्स एंड इट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मन में हम लोग बनाते रहते हैं, पहले गाने का प्रोडक्शन होता है, म्यूजिक का प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर गाना बनता है, फिर जब चीज़ें एक्चुअली पैन आउट होती हैं एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स होते हैं तो वो जब प्यार मिलता है, जब एक्सेप्टेंस मिलता है ऑडियंस से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग बनाते ही उसी के लिए। रियली क्रिएटिविटी जो होती है वो स्टार्ट्स विद अस बिकॉज वी फील दैट वी नीड टू क्रिएट समथिंग। बट इवेंचुअली हम लोग अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखाते इसलिए हैं क्योंकि ऑडियंस उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको पसंद करे, उसे रिलेट करें या कोई ना कोई मैसेज भेज सके। तो आई थिंक वी हैड अ गुड रिस्पॉन्स अंटिल नाउ। I've had a good response in my wherever I've shared it. I think he's got his own responses wherever he's shared it, and I think it's the same thing with Hiba. Oh yeah. You have to say something. Yeah, we're getting a lot of love. Song is not out yet, but the vibe you can actually figure in the poster, and obviously people are talking really about the chemistry and how we're looking nice together. So I think that's a good part, because the song is all about love, sacrifices, and how you support the other person. So I think they're getting the vibe. Yeah. And they got the memo already. Yeah. So they're waiting for the actual thing to happen now. Yaar bada nervous se leke khushi ke beech jitni bhi cheeze rehti na, us sab experience kiya maine ab tak. To I'm still feeling it. I still have a lot of nervousness. I'm still on the edge. Before I came here also, हम लोग बैठे थे, मैंने दांत चबा रहा था, मैंने कहा ये नीचे इसको निकालो, ये नहीं, ये नहीं, ये 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 सही नहीं लग रहा, ओके चेंज कर देंगे, कैसा लगेगा। तो आई थिंक बिकॉज एंड प्लस दिस इज बिन माई बेबी फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, 3 months नाउ आई बिन वर्किंग ऑन दिस इन माई हेड। ऑल बिन रियली एसोसिएटेड कंटिन्यूसली। मैं जब शूट में भी होता था तो सीन्स के बीच में यही दिमाग चल रहा होता था कि ये कैसे शॉट लूँ, वैसे कैसे शॉट लूँ। तो वैन the entire experience of being in front and behind the camera is a little hectic, बहुत strenuous होता है और मज़ा भी आता है, क्योंकि director's vision शायद थोड़ा है तो मैं उस चीज़ को और enhance करने की कोशिश करता हूँ, बस यही है। मुझसे पूछोगे ना तो honestly बताऊँ, ये सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं ज़्यादा जवाब दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो experience है ना उसको मैं बयान नहीं कर पाता हूँ। शायद जो सामने लोग जो देख चुके हैं, जो मैं करता हुआ आया हूँ, तो अगर वो बताएंगे तो बेटर होगा। जो कि मैं बगल में बैठा है ना, वो बोल सकता है आपको। बिल्कुल इरिटेट नहीं हुआ था यार, ही वाज सो स्वीट, वी स्पोक ऑन द कॉल फर्स्ट एंड ही वाज सो एक्साइटेड, ही एक्चुअली साउंडेड लाइक अ बेबी, हू वाज एक्साइटेड समथिंग, ही सेइंग उनका बच्चा वो खुद बच्चे थे अबाउट दिस प्रोजेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही वाज सो एक्साइटेड, ही वाज सिंगिंग आल्सो एंड ही इज द एक्चुअल सिंगर, बट मैंने इनको भी थोड़ा अप्रूवल दे दिया था कि हम, एंड देन या एंड
then we started shooting. So I was obviously I was also a little, you know, because pehli baar aap kahin jaate hain, so you're not all comfortable. But these guys, they made sure that I'm comfortable. And yes, chilled out. And bahut maza aaya. Aur mujhe bahut acha laga jis tarike se aapne filmaya hai gaane ko. Bahut acha laga mujhe. Aur your baby would be soon, you know, out everyone's there baby. And with everybody. Yeah, everybody's baby. Faman donor. What? Okay, okay. Nahi, wo mera 8th song tha. Sorry? That was my 8th song. 8th song? Yes. Yeah. 8th song. Ye jo song hai, iska bhi mere sabri se intezaar kiya ja raha hai. Aap kitni excited ho personally? ये क्या हो गया, अभी ये एक नया सेपरेट एक अलग तरीके का कुछ स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे लोग डिमांड करते हैं कि फमान चाहिए और कोई और चाहिए. मतलब ये जो एक एसोसिएशन हमारा स्टार्ट हुआ है, जो जोड़ी स्टार्ट हुई है, इसको लोग चाहते हैं देखना कि मैं गाना गाऊँ, फमान एक्ट करे, डायरेक्ट करे, वो सब चीज़ें. तो आई थिंक लास्ट सॉन्ग के बाद बीच में एक दो गाने और आए, लेकिन लोग वेट कर रहे थे कि फमान के साथ तुम्हारा कब वापस से कोलैबोरेशन हो रहा है और वापस से तुम कब आने वाले हो. तो आई थिंक वो बीच वाला पार्ट लोग स्किप ही कर देते हैं. तो मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, फमान के साथ ही करता हूँ, मैं भी क्यों मेहनत करूँ फालतू की. यही चल रहा है मेरा अभी. ठीक है, प्लस बताता हूँ मैं आपको इस चीज़ के बारे में कि व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हम लोग जब बॉम्बे साथ में आए थे या साथ में हम लोग ने जितनी भी जर्नी देखी है साथ में देखी है, तो अगर जब एक कोलैबोरेशन होता है ना, कोई दोस्तों के बीच में जब अच्छी चीज़ें बन जाती है ना, तो वो बहुत ऑर्गेनिकली बनती है. इसके लिए नहीं बनती कि हम बिजनेस करें, हम पैसे कमाएं, या यू नो हमको टीआरपी चाहिए, या यू नो पैसा मोनेटाइजेशन चाहिए. इट जस्ट हैपेंड बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग एंड इट इज़ हैपनिंग टिल नाउ द सेम वे. वैसे ही हो रहा है और वैसे ही इश्को क्या बन गया था, वैसे ही याद ना आना भी बना है और वैसे ही ये गाना भी बना है. बस वो कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस. या टू लास्ट क्वेश्चन. जब आप लोग ये बेइरादा कर रहे थे, तो ये इरादा कब आया, इसको सेट करते हुए क्या कुछ बेइरादा करते हुए क्या कुछ हुआ? भाई क्या है, ये तो बड़ा तुमने पजल दे दिया हमें यार. इरादा बेइरादा तो क्या बेइरादा जी टाइटल है. हाँ, इसको आपको बनाने का जो इरादा है, हाँ, कब आया और इस सॉन्ग को शूट करते हुए क्या हुआ बेइरादा? प्यार. और क्या होता है बेरादा? So you guys are in love then? हाँ, we both are in love with you. Oh wow, no way. That's very important to mention here. बेरादा is a song that is काफी ज़्यादा पसंद की जा रही है, but off screen आप दोनों का bond किस तरह का है? देख सकते हैं आप, हंसी मजाक देखो यार, ज़िंदगी में यही है, हंसी मजाक करते रहो, खुश रहो, पर serious होके कुछ मिलने वाला है नहीं, बाकी अगले 30 seconds आपके. We shot in Bombay in 2 days, but बाकी मेहनत बहुत सारी, जैसे उन्होंने बोला, मेरी मेहनत जैसे 2 दिन की थी. And yeah, I found a lovely, you know, lovely friend in him and him. So and it's a and also Ramsha, I would say, because the producer who's producing me Starlet. So yeah, so I found beautiful friend in her as well. So I think it was a win-win situation for me. रमशा के बारे में भी यही आता है, शी वाज द वन हु इनिशिएटेड द स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट. तो वी बीन इन टॉक्स फॉर पास्ट 2 मंथ्स, 2 and a half, 3 months at least. So there's a lot of things that go down before we come on set and have this first shot. तो ये बड़ा मजा आएगा, स्टोरी अच्छी है, बहुत प्यारी है, आप लोग देख सकते हैं. वी लव यू गाइज, जो भी किया दिल से किया, बस आप भी दिल से एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो और जहाँ मिले वहाँ पे भेजो. खाओ सबको गाने. थैंक यू. बहुत बोल रहे हो.